नमस्कार और आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपको बता नहीं सकती है मुझे इस मंच पर बैठकर कैसा लग रहा है। सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद यहां आना था इसलिए शायद वो पूरे रास्ते चलते चलते आई हूं। कला के पथ पर चलते चलते यहां तक पहुंची हूं। जो अविश्व की आत्मा में बसते हैं, जो हर भारतीय की आत्मा के विश्वास हैं, उन्होंने मेरी आत्मा पर भी एक अटल छाप छोड़ी है। सच में श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के फैन हैं। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूं और जो सारा काम भाजपा कर रही है उसे देखकर कई बार ऐसा लगता था कि एक नागरिक के नाते ही सही लेकिन हम सबको इसमें सहभागी होना चाहिए। महाकाल और माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं अपने कला के माध्यम से कई सारे लोगों से मिलती हूं, उनके सरोकार होती हूं। तो जब मैं ये विकास का महायज्ञ देखती हूं तो ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं भी इसमें सहभागी बनूं। तो मुझे विनोद तावड़े जी का मार्गदर्शन मिला, अमित बिनोनी जी का आशीर्वाद मिला, संजय मयूख जी की गाइडेंस मिली और मैं यहां पर आ गई हूं कि मैं किसी तरह से मोदी जी के बताए रास्ते पर चलूं और किसी तरह से देश सेवा में लगूं। अमित शाह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ूं और कुछ ऐसा करूं जिससे आज जो ये लोग मुझे भाजपा में शामिल कर रहे हैं इन सबको एक दिन मुझ पर गर्व हो। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए और आप सबका साथ चाहिए कि मैं जो भी करूं सही करूं, अच्छा करूं, गलत करूं तो आप लोग मुझे बताइएगा। आप सब तो हैं ही। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब भी